हेलो एवरीवन। तो आज हम ट्राई करेंगे गुड वाइब्स का सीट मास्क, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, पॉपुलर भी है। तो अभी हम चेक करते हैं कैसा है। और दिस वन इज़ यूज फॉर प्रेग्नेंट स्किन, इट्स अ लेमन सीट मास्क। एंड सेकेंड वन इज़ पपाया सीट मास्क, इज़ ऑल्सो यूज फॉर ब्राइटनिंग स्किन। एंड थर्ड वन इज़ उपटन, एंड उपटन इज़ यूज फॉर इंस्टा ग्लो। यू नो अबाउट उपटन, सो दैट्स व्हाई। एंड टुडे वी ट्राई लेमन सीट मास्क एंड लेट्स सी हाउ इट्स वर्क। और अभी जस्ट ओपन करते हैं। इसको यूज़ करने का सिंपल, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जस्ट आपको इसको ऐसे करना है ताकि इसके जो भी ऊपर सीरम्स हों सारे नीचे चले जाएँ। एंड देन यहाँ पे एक कट दिया होगा, आपको इस कट के अकॉर्डिंग आपको इसको ओपन करना है और केयरफुली सीट को बाहर निकालना है। और जस्ट जिस वे में दिया रहे आपको ओपन करने के लिए, इसको ओपन करना है और फेस पे अप्लाई करना है। और फेस जो हो, स्किन जो हो, उस टाइम क्लियर। तो आज हम लेमन सीट मास्क यूज़ करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसको ओपन करने का, यहाँ पे कट दिया होगा, यहाँ पे कट दिया गया, इसको सीधा से जस्ट इसको कट करना है। और उसके बाद आपको इसको सीरम कैसे नीचे करके जैसे अप्लाई कर देना है फेस पे, और क्लियर फेस पे अप्लाई करना है, स्किन पे कोई मेकअप ना हो उसको रिमूव करके। तो अभी मैंने स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, ये बेसिक चीज़ है, ये तो लगी रहेगी। ओके, खैर, तो इससे कोई वो भी नहीं होगा कि किसी मास्क के आँखों और लिप्स पे नहीं लगाना है, ये वार्निंग होती है। इसको नहीं, आँखों के कॉन्टेक्ट में नहीं आने देना है। तो फिर ओके, ना अभी ट्राई करते हैं। तो बस अब इस सीट मास्क को हमें अपने स्किन पे अच्छे से सेट कर लेना है, आईज़ और लिप्स को बचा करके, क्योंकि वहाँ पे आई के कांटेक्ट में आने की वजह से प्रॉब्लम्स होगी। और हमारे लेमन सीट मास्क में लेमन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, और लेमन हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए हमें लेमन सीट मास्क ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देता है। और जस्ट इसको सेट कर लीजिए, और अभी फ़िलहाल हम 15-20 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे। अभी मैं अच्छे से इसको सेट कर रही हूँ। तो हम इसको अच्छे से सेट करेंगे, और सेट करने के बाद सीट मास्क को 15-20 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि सीरम अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए, और उसके बाद हम रिज़ल्ट देखते हैं। तो 15 मिनट बाद मिलते हैं आपसे। तो मेरे 20 मिनट्स हो चुके हैं और मैं अब इसको रिमूव करने जा रही हूँ। हमें 15 या 20 मिनट्स तक रखना होता है। तो बस आप इसको बस ऐसे आराम से रिमूव कर लें। नाउ आप देख सकते हो पूरा स्किन कैसे ग्लो कर रहा है, ब्राइट हुई बड़ी। इस पर कोई भी मेकअप नहीं है, और जैसा कि आप देख रहे हो, तो मेरी तरफ से तो ये बेस्ट है आपको भी। तो जो भी एक्स्ट्रा सीरम बचे होंगे आपको उसको फेस पे अप्लाई करके उसको मसाज कर लेना है अपवर्ड डायरेक्शन में। इससे स्किन टाइट होती है, और प्लस सीरम जो होते हैं स्किन में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो और अच्छे से ग्लो करता है। उसके बाद
ये हमारा डन हो चुका है। ये ओवरऑल मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप बताइएगा आपको कैसा लगा। और अगर आपको ऑर्डर करना है तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर दीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अब तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।